करण विदित की सीरीज में आप सभी के बीच लाइव हैं और ये सीरीज आप सभी के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम ये प्रयास करेंगे इस सीरीज के अंत तक आप बने रहे, खासकर कॉपी कलम लेकर, क्योंकि सीरीज से जो प्रश्न आएंगे वो परीक्षा से मिलते जुलते प्रश्न हैं और इसकी थ्योरी भी आप लोग को साथ में पढ़ते चलेगा और हो सके तो साथ में नोट्स बनाते चलेगा, क्योंकि नोट्स आपका एक बेहतर तरीके से आपके लिए काम करेगा। चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और ये निःशुल्क क्लास देश हित में राष्ट्रहित में, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। यहाँ पे पहला प्रश्न आपको शायद दिख रहा होगा आप सभी लोग को, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है। बनवाली, कालीबंगा, लोथल, राखी। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइएगा, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या होगा। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से अगर देखा जाए तो यहाँ पर राखीगढ़ी होगी। क्या होगी? राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल राखीगढ़ी है। धौलावीरा वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पाकालीन दो विशाल नगरों में से एक है, अगर हम धौलावीरा की बात करें। लेकिन एक दूसरा विशालतम नगर हरियाणा में है, जिससे रफी मुगल है। बनवाली में हरियाणा स्थित है, बनवाली में देखा जाए हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात में। लोथल कहाँ पे है? ये गुजरात में है और ये राजस्थान में। ठीक है, अगला है प्रातित्य समुत्तयपाद का सिद्धांत है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, आजीवक से, चार्वाक से। जितने लोग वीडियो को देख रहे जल्दी से फटाफट पहले वीडियो को शेयर कर दे अपने सभी साथी मित्रों को। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। देखिए इसका संबंध जो है ये बौद्ध धर्म से, किसे? बौद्ध धर्म से। जैसे दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म का कारण कर्मफल उत्पन्न करने वाला आन रूपी चक्र है। इसे पारिभाषिक शब्दावली में प्रति समुत्पाद या पाली भाषा में पाटिच्य समुत्पाद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए इस चक्र के 12 क्रम हैं। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति, जरा, मरण आदि। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का सही जवाब है। चलते गौर अगले प्रश्न की तरफ। हम अगला आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? वेनगंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। जितने भी साथी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करें जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए कि गुप्त राजवंश में विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो बहुत ही है हरिहर और बुक्का नाम के लोगों ने हप्पी हस्तिनावर्ती राज की नींव डाली थी और ये तुंगभद्रा के दक्षिण में है। ये तुंगभद्रा के दक्षिण में है। यही राज बाद में विशाल विजयनगर राज्य बना और विजयनगर उसकी राजधानी बनी। विजयनगर राज्य बना, उसकी विजयनगर विद्यानगर उसकी राजधानी बनी। गुप्त राजवंश में महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो महाराजा धीराज की जो उपाधि है किसने धारण किया था? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, एकदम आप लोगों ने सही बताया है, जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, माने बी वालों के जवाब सही है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। घटोत्कच का पुत्र और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त पहले गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। राज्यारोहण के बाद अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण किया। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने WC बनर्जी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बम्बई 1985 के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया था? AO ह्यूम, KT तेलंग, DE वाचा, NN सेन। बताइए फटाफट कमेंट करके जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? AO ह्यूम। ए वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। कैसे? भारतीय राज्य कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, आपको पता ही होगा। और अपने पद के लिए AO ह्यूम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 के अध्यक्ष पद के लिए AO ह्यूम द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
किसका, डब्ल्यू सी बनर्जी का नाम एओ ह्यूम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्लियर, किसी के मन में कोई डाउट कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। अब की बार एक सीट हमार। अगला है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, पोलीग्राफ, काइमोग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप। बताइए फटाफट कमेंट करके, जितने इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। देखिए यहां पर क्या होगा, पोलीग्राफ, जी हाँ, झूठ का पता लगाना, काइमोग्राफ क्या है, शरीर की क्रिया द्वारा ग्राफ प्रदर्शित करने वाला यंत्र है, पाइरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र है, गायरोस्कोप ये घूमती वस्तु की गति मापने का यंत्र है। ठीक, तो यहां पर हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा कि यह कितना इंपॉर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, समझ में आप लोग को। तो यहां पे सभी के बारे में मैंने बता दिया, चाहे तो आप कॉपी में नोट्स बना रहे तो लिख भी लीजिएगा। अगर काइमोग्राफ के बारे में पूछ दिया, तब शरीर की क्रियाओं को ग्राफ में प्रदर्शित करना। अगर पाइरोमीटर की बात किया जाए, ठीक है, अगर हम पाइरोमीटर की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने भी बताया, जस्ट बताया आपको, उच्च ताप मापने का यंत्र है, उच्च ताप मापने का यंत्र है। गायरोस्कोप क्या है, घूमती वस्तु की गति मापने का यंत्र है। कौन सा मूल तत्व है, अगला प्रश्न है, कौन सा मूल तत्व है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर बताइए सभी लोग। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर शक्कर हीरा रेत संगमरमर क्या होगा इसका, जी हाँ, हीरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम एक मूल तत्व में है, सिलिकॉन ऑक्सीजन, संगमरमर कैल्शियम है, कार्बन ऑक्सीजन, शक्कर कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये सब मिश्रण है, लेकिन हीरा जो है ये कार्बन का शुद्धतम अपरूप है। ये क्या है, कार्बन का शुद्धतम अपरूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल में घुलनशील विटामिन क्या है। देखिए इसका एक ट्रिक है, जल में घुलनशील क्या है और वसा में, अगर वसा के लिए पूछ दिया जाए तो कीड़ा है, यह वसा में घुलनशील है, KEDA कीड़ा, और जल में घुलनशील है बी और सी, याद रखिएगा, बी और सी जल में और वसा में कीड़ा, विटामिन के। ठीक, एक सवाल आया है कि हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, यह मूल तत्व है, कार्बन का एक मूल तत्व है, लेकिन अगर हम बात करें जैसे सिलिकॉन रेत की, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन से मिला है, अगर हम संगमरमर की बात करें तो कैल्शियम से, ऑक्सीजन कार्बन से मिलकर बना है, शक्कर की बात करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है, मतलब हीरा शुद्धतम रूप है, एक मूल तत्व से बना है। मूल तत्व क्या है, कार्बन है, जिसे मैं ऊपर वाले प्रश्न में आता हूँ, ये मूल तत्व की बात करता है, तो ये मूल तत्व किससे बना है, कार्बन से बना है। अगर हम शक्कर की बात करें तो शक्कर कार्बन से बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, रेत की बात करें इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है, संगमरमर की बात करें तो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन मूल तत्व कार्बन से केवल हीरा मिलकर बना है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी सही होगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाएंगे आप, बी इसका सही जवाब देंगे। क्लियर, किसी के मन में कोई सवाल नहीं है ना, आपके सवाल का जवाब मिला, ये केवल अकेले एक ऐसा है चार विकल्प में से जो मूल तत्व कार्बन से बनकर बना है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथ है, यकृत में, विकल्प के आधार पर हमें उत्तर देना होता है ना, अंतःस्रावी ग्रंथ है, यकृत में, अग्नाशय में, गुर्दे में, हृदय में, बताइए। तो अंतःस्रावी कहाँ होता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, चाहे से फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं। देखिए ये अग्नाशय में कहाँ पर है, यह आपका अग्नाशय में है, थायराइड अग्नाशय,
पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। ठीक, किसी भी राज्य में राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम कितनी होगी बताइए फटाफट कमेंट करके। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पर 60, अधिकतम की बात करें तो 500। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए। माने ए वालों के जवाब पूरी तरह से सही है, माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी आयोग संबंधित है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए सरकारी आयोग केंद्र और राज्य से संबंध है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है, एकदम रट लीजिए, यूनिक क्वेश्चन है। मतलब 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आर एस सरकारी अध्यक्षता में केंद्र और राज्यों के संबंध में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। कब? 1983 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है आपके सामने, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्धारण कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी बार बार पूछा जाता है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। सबका कमेंट पहुंच रहा है। देखिए यहाँ पे कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, ये तो जान लीजिएगा कि राष्ट्रपति की अनुमति से ये प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ये लोकसभा अध्यक्ष निश्चित करता है, अनुमति इनकी होती है ना। लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला है, प्रदेश उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा जाता है किसे? सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करके बताएं, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पे चाहे से यूट्यूब पर, सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करें, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को सीमांत कृषक कहा जाता है। तो अगर आपने इस प्रश्न को पढ़ लिया है, अगर आपने इस प्रश्न को समझ लिया है, तो अब जल्दी से वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, पंतनगर, झांसी, मथुरा, कानपुर। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। जी हां, पंतनगर इस प्रश्न का सही जवाब होगा, पंतनगर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अच्छा, मैसेज नहीं किया, रिप्लाई नहीं आया, दोबारा मैसेज करिए, रिप्लाई आ जाएगा। लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। किस कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, अगला, जे लेपला व नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? जे लेपला व नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका उत्तर सभी को पता होगा। क्या आप सभी ने वीडियो को शेयर कर दिया है? अगर आप सभी ने वीडियो को शेयर कर दिया तो आपको सभी को थैंक यू। देखिए सिक्किम, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सिक्किम में है, एकदम सही आप लोगों ने बताया है। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? O3 गैस कहाँ पाई जाती है? ओजोन गैस को किसने खोजा था? कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि ओजोन गैस कौन खोजा था या किसने ओजोन गैस को खोजा था। ओजोन एक गैस है, ये समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा? ए होगा, ए वालों का जवाब सही है। रोही मैदान भारत में मिलते हैं, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बताइए रोही मैदान भारत में मिलते हैं कहां? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सभी लोग।
चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर रोही मैदान की हम बात करें तो राजस्थान के पूर्वी भाग में मिलते हैं, रट लीजिएगा, ये पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत उपजाऊ मैदान को ही रोही कहते हैं, माने उपजाऊ जो मैदान होते हैं उन्हें हम रोही के नाम से जानते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका नागपुर। बी वालों के जवाब सही, इसका उत्तर क्या होगा? नागपुर। ठीक है, चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ। 2011 में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत कितना था? 2011 जनगणना के आधार पर सभी लोग फटाफट कमेंट करें जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक के देख रहे हैं चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, 64.06% सही है इसका। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? धारणी विकास का मतलब ये जान लीजिएगा कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए यदि आप विकास के चक्के पर आगे बढ़ रहे हैं तब उसे हम धारणी विकास की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सभी लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लें और सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। अब बताइए बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, कोयला से पर्यावरण नुकसान होगा? ये नहीं होगा। खनिज तेल से भी पर्यावरण, परमाणु से, लेकिन जल विद्युत से नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी। धारणी विकास का मतलब ही होता है कि बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए अगर आप विकास के चक्के पर आगे बढ़ रहे हैं तो वही धारणी विकास के अंतर्गत आता है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर सी आप सभी का सही है। अगला कूट वाला सवाल है, तो जितने भी साथी देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए आप लोग को तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद्रगेश के ऑफिस का नंबर है, ठीक है। और यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए मेरे द्वारा निःशुल्क लाइव उपलब्ध कराई जा रही है मेरे अपने बच्चे के समय पर एज ए गेस्ट के रूप में, ठीक है। बाकी के लिए नोट्स ले सकते हैं, यहाँ पे नोट्स आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके काम में भी आएगा, टेलीग्राम पर भी है और ई लर्निंग विद्रगेश के ऐप पर भी है। चलिए, थैंक यू जितने लोगों ने किया। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, ठीक है, तो बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड ये भी है, ड्रेसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये भी है, एजुकेशन कंसल्टेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया ये भी है। ये सब भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, का मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा, तीनों। सबका क्लियर हुआ? चलिए, अगला आपके सामने है। कह रहा है कि आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 के तहत एक आधुनिक आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, अहमदाबाद, जामनगर, सूरत, राजकोट। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। जामनगर, जामनगर वालों का जवाब सही है। अगला, नारगोनो काराबाग को लेकर किन दो देशों के बीच संघर्ष हो रहा है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या होगा? आर्मेनिया व अजरबैजान, ठीक है, शीर्ष प्रश्न का सही जवाब है। अगला, यहां पे ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ 2020-30 को स्वस्थ वृद्धावस्था दशक के रूप में मनाया जा रहा है, इसमें क्या है, क्या सत्य होगा? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सभी लोग फटाफट कमेंट करें।
यहाँ पे ये दोनों गलत है ना। चलिए आगे चलते हैं। सितंबर 2020 में भारत ने 3 देशों के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे इसे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर जहां भी देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करें। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइएगा चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं जहां भी देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाइए कमेंट करके बताइए। जी हाँ, डेनमार्क इज द राइट आंसर। सी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। अगला सवाल है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 अनुपात है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने प्रश्न जो दिख रहा है, एकदम पहले इसके भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो हमें जानते हैं आयतनों का अनुपात क्या होगा, a1 / a2 का। अब आयतनों का अनुपात दोनों का भुजा निकालना है तो भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं तो ये अंडर रूट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा तो ये हो जाएगा a1 / a2, मतलब ये हो जाएगा 64:27, यहाँ पे 27 का घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 4:3। ये भुजाओं का अनुपात हो गया। अब पृष्ठों का अनुपात क्या होगा, पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। जैसे अगर देखिए किसी को अगर कोई दिक्कत हो रही होगी क्लास लेने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आप उन्हें मैसेज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉल आते हैं। जैसे सवाल आ रहा है ड्रिंक सिंह जी का कि दरअसल एक दिन में 2-3 हज़ार कॉल आती है, तो उसमें क्या होता है वेरीफाई करने में दिक्कत होगी, क्योंकि दो अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशन पर कॉल अटेंड करते हैं, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इस दशा में आप लोगों को परेशान नहीं होना है, दोबारा कॉल करना है उसे मैसेज छोड़ देना है फिर भी नहीं हो रहा है, तब मेरे व्यक्तिगत नंबर पर मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्या प्राय समस्या हो जाती है जैसे क्योंकि एक दिन में कम से कम आपको शायद नहीं होगा 1,000 से लेकर 2,000 कॉल ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस पे आती है, तो इन सभी कॉल को अटेंड करना एक इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। एक बार आप वहाँ बात करेंगे दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस दिन में बात करिएगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉल उठाते हैं उनका एक्सीडेंट हुआ है और पिछले 3 दिनों से, इसलिए थोड़ा दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई लेनी भी दुर्गेश में। हम चलते हैं आगे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब पृष्ठों का अनुपात, अभी ध्यान देंगे हम लोग को क्या पढ़ना है, पहले इसको इरेज कर दें। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है पृष्ठों का अनुपात, पृष्ठों किसके पृष्ठ का अनुपात, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ये भुजा निकल गई है क्योंकि गोले का आयतन है, तो ये r1 r2 हो जाएगा, r1 / r2 हो जाएगा, तो यहाँ पर इनका स्क्वायर करेंगे ये 1 हो जाएगा और ये πr² 2, पाई से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 / 3 2, तो 16:9, माने इसका उत्तर डी होगा। ठीक है, क्योंकि दिक्कत होती है लगातार कॉल हो जाता है इसी वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, 16:9, माने इस प्रश्न का डी इसका राइट आंसर होगा। किसी को भी असुविधा होती है तो उसके लिए खेद है हमें, हम प्रयास करेंगे कि दिक्कत होती है, इंसानी है। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, मैं दोबारा यहाँ पे समझाऊंगा एक लाइन को कैसे निकालते हैं। ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, पहले इनका क्यूब निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, क्यूब नहीं निकालेंगे, इनका रूट क्यूब निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4:27। अब क्या करेंगे, 4:3, अब इनका पृष्ठ क्षेत्रफल का स्क्वायर हो जाएगा, 4² / 3² तो हो जाएगा 16:9। ऐसे आपको ट्रिक से याद रखना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, कोई भी जानकारी अगर आपको लेना है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, ये नंबर है आपके लिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है। ठीक है,
यहाँ पर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। ये मेरे द्वारा क्लास निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में चल रही है, जौनपुर जनपद के सिराज एन से। अब यहाँ पर ध्यान देना है, राहुल 10 रुपये में 11 सेब खरीद कर, राहुल 10 रुपये में 11 सेब खरीद कर 11 रुपये में 10 सेब बेचता, उसके द्वारा अर्जित लाभ या हानि क्या होगा? इसका एक तरीका है, क्या है? क्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर माने विक्रय वस्तु की संख्या स्क्वायर बटे विक्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर। जहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे यूज करना है, वही आप निकाल लेंगे। 10 में 11 खरीद कर और 11 रुपये में 10 बेचता है तो क्या करेंगे? तो क्रय वस्तु की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ 11 है, 11 का स्क्वायर विक्रय वस्तु की संख्या स्क्वायर माने 10 बटे विक्रय वस्तु की संख्या स्क्वायर गुणे 100। ये हो जाएगा यहाँ पे 121 माइनस 100 बटे 100 गुणे 100, 100 100 से कैंसिल, क्या हो जाएगा? 21% का लाभ हुआ। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, 21% का लाभ होगा। क्या होगा लाभ? ओजोन गैस खोजकर्ता कौन है? क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोन विन। ओजोन गैस के खोजकर्ता क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोन विन, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका भी कर लीजिएगा। किसी ने कमेंट किया अभी कि ओजोन गैस की खोज किसने किया, तो क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोन विन। क्लियर हुआ? ये लाभ है, ये लाभ 21% का। इसका सूत्र क्या है? जब ए वस्तु खरीद के बी रुपए में, बी वस्तु खरीद के सी रुपए में बेचा जाए, तो याद रहे कि क्रय वस्तु की संख्या माइनस विक्रय वस्तु की संख्या बटे विक्रय वस्तु की संख्या स्क्वायर गुणे 100। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लेंगे, एक लाइन में आप लग जाएगा, कुछ सेकंड में आप गणित का उत्तर बता लेंगे। और कोई सवाल अगर आपके मन में पूछिएगा, टॉपिक से अलावा अगर बाहर का कोई सवाल होगा तो मुझे असुविधा होगी बताने में। अगला सवाल है आपके सामने, यदि ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, 12 वर्ष पहले वो बी से 5 गुना बड़ा था, तो ए बी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, माना बी की वर्तमान आयु अगर बी की माना जाए तो x है, तो ए कितना है? दोगुना है, ए कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दो बातें समझ में आ गई। अब कह रहे हैं 12 वर्ष पहले क्या था, अगर 12 वर्ष पहले समीकरण बनाएंगे तो समीकरण कुछ हमारा ऐसे बनेगा कि दोगुना में से x घटा दिए, अब बराबर क्या होगा? ये है 12 वर्ष पहले 5 गुना बड़ा था, माने x माइनस अगर हम 12 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 गुना हो जाएगा। अब इसी को हल कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल दीजिए, x की जो वैल्यू आएगी वही आपका उत्तर होगा। निकालिए x की वैल्यू क्या आती है, तो हमने यहाँ देखा कि ये 2x में से x गया, क्या बचेगा आपका? ये 2 हो जाएगा, 2x में से 2 हो जाएगा, 2x में से 2 बराबर 5x माने 12, ठीक ठीक है, क्योंकि वर्ष पहले ए बी से 5 गुना बड़ा था, तो ए बी की वर्तमान आयु क्या? ए बी की आयु दोगुनी, इतना वर्ष प्रश्नानुसार। माना अगर ए बी की आयु x वर्ष है तो ए हो जाएगा 2x, तो 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले क्या होगा? 2x में से 5 जाएगा और x में से 12 घटाएंगे अगर, तो 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने देखा ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5x माइनस 60 हो जाता है। क्लियर? अब 5x को इधर लाते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं, 60 को इधर लेंगे, 60 इधर आएगा तो माइनस 2, माइनस 2 इधर पहले से है, इधर आएगा तो प्लस 60, 5x है माइनस 2x। नहीं जी, एक मिनट रुकिए, गलती हो गया, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, एक मिनट रुकिएगा। ये 2x है, इसमें से 12 साल घटा देते हैं, फिर बराबर, फिर हम x में से 12 साल घटा देते हैं, ऐसे लगेगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 12 बराबर, ये हो जाएगा 5x माइनस 60 हो जाएगा, 60 को इधर लाते हैं ना, तो 12 प्लस 60 हो जाएगा और 5x है इधर जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, तो ये 12 माइनस में है तो ये 48 हो जाएगा ना, तो 48 बराबर 3x, x बराबर क्या हो जाएगा? 16, x बराबर क्या हो गया? 16। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ये b हो जाएगा 16 साल का और a हो जाएगा 32 साल का, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? a। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? a, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? a, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। और अगले दिन से एक दिन में एक विषय की मैराथन क्लास चलने वाली है, तो उसकी टाइम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो ध्यान रहे टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके इन लर्निंग भी दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे। एक दिन में एक विषय की मैराथन क्लास मिलने वाली है, तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे कल की क्लास के लिए, अगले दिन की क्लास के लिए, ऐसे मान लीजिए। टेलीग्राम पर अगर क्लास चलनी होगी तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी प्रतिदिन के लिए। एक त्रिभुज की भुजाएँ 11, 60 और 61 मीटर है, निम्न में लंबी भुजा के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ पर अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ त्रिभुज मेरा बन रहा है इस तरह से, अगर हमने बना दिया ए
बी सी ये त्रिभुज बना दिया। अब ये यहाँ पे इसको मान लेते 60 मीटर है, ये आपका 61 मीटर होगा, तब नहीं आपका 11 मीटर होगा, आपका 11 मीटर है। अब हमें निकालना है, कह रहा है कि निम्न लंबी भुजा के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए इसको ऊंचाई निकालेंगे तो ये निकलेगी लंबी भुजा के सापेक्ष, मान लिया ये आपका डी हो जाता है, मान लिया एक्स मान लेते हैं। अगर हमें त्रिभुज, अगर त्रिभुज जैसा समकोण दिख रहा है, अगर हम इसका निकालना हो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं 61 का स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर प्लस, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सही है। देखिए अगर ऐसा दिया है तो मैंने समकोण त्रिभुज, तो हमें जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 60 गुणे 11, 2 से काटेंगे 30, तो 11 3 33, माने 330 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर अगर बी डी है, ये बी डी इसकी अगर ऊंचाई को यच मान ले, बी डी को क्या ऊंचाई यच मान लेते हैं, तब ए सी के आधार पर क्या होगी, तब ये जो ए सी के आधार पर, अब ए सी का भुजा कैसे मापेंगे, इसको लगाने के लिए एक फार्मूला है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो हो जाएगा 1/2 गुणे यच गुणे बड़ी भुजा 61 है, मतलब यदि यच हो तो ए सी को आधार भुजा मानने पर क्षेत्रफल 1/2 गुणे यच गुणे 61 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यच का मान अगर हम 330 रख देते हैं, 330 है यच रखेंगे तो क्या होगा, यच बराबर क्या निकालेंगे बताइए इसको, यहाँ अगर हम बराबर ये लिख देते हैं 330 है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये निकलेगा 61 से काटेंगे कैसे कटेगा, ये जरा काट के देखिए कटता है, क्या निकलता जरा देखिए, यहाँ पे 330 हो गए, इसको जरा काट के क्या कितना आता है, इसको जो काटेंगे वही आपको उत्तर आएगा, तो यहाँ पे यच बराबर 330 गुणे 2/61 आएगा, इसी की वैल्यू जो होगी वही आपका आंसर होगा, इसका जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। देखिए मैथ नहीं आती है, गणित की तरह ऐसे रीजनिंग के टाइप में सवाल आपको मिलेंगे, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसकी जो वैल्यू आएगी। देखिए कमेंट आया है, और वैसे कमेंट मुझे ये कमेंट तो नहीं पढ़ना चाहिए कि उड़ भी गया कमेंट, जाए कमेंट डिलीट हो गया, कि माना जाता है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है इसलिए वो भी घर की वित्त मंत्री होती हैं, डिलीट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी 2005 इस बात का खंडन करता है, कोई तेज और कोई कमज़ोर नहीं होता, सभी बराबर हैं, और कल्पना चावला भी देखिए चांद पर पहुंची, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चलिए मिलान करने वाला प्रश्न है हमारे सामने, दीन ए इलाही दास वन साइमन कमीशन औषधि, तो दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म था, इसको पहला हिंदू राजा कौन अडॉप्ट किया था, दास वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, साइमन कमीशन 1928, औषधि चरक, तो यहाँ पर आपने मिला लिया। अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है, किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, आप सब बहुत तेज, हमसे भी तेज हैं आप लोग पढ़ने में, ऐसा नो डाउट, स्क्रीनशॉट कर ले, हाँ वो जस्ट फॉर किडिंग था, मैं समझ सकता हूँ। अगला है आपके सामने, पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, एकदम हलवा प्रश्न है, मैंने कई बार पढ़ाया है, सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करके जवाब दें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर लगभग 99% गैस बनता है, ये हो जाएगा पहले 78% लगभग, ये हो जाएगा 21% लगभग, ठीक, यहाँ पर मिलान करना है, आइए मिलान करते हैं, मिलाइए जल्दी जल्दी सभी लोग फटाफट। हीरा कार्बन का प्रूफ है, ठीक, इसमें पृथ्वी पाए जाने वाले पदार्थों का सबसे कठोर पदार्थ है, यहाँ कार्बन से प्राप्त होता है, संगमरमर एक पत्थर है और एक कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, बालू जिसे रेत के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम सिलिकन है, स्नेहक क्या है, ग्रेफाइट है, स्नेहक भी कार्बन का प्रूफ है, ये भी क्या है, ये भी कार्बन का ही प्रूफ है, ये भी कार्बन का ही प्रूफ है,
लेकिन यह मुख्य रूप से ग्रेफाइट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य रूप से पेंसिल भी कहते हैं। यह अधातु भी विद्युत का सुचालक है, यह अधातु है फिर भी विद्युत का सुचालक है। अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अगर आप प्रश्न को अगर हल करना चाहें, अगर इसका विकल्प चयन करना चाहें तो आपके हिसाब से क्या होगा, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी लोग जी, आप लोगों ने एकदम सही बताया, बी बी वालों का जवाब सही है। यार वीडियो को शेयर करिए, आप बहुत ही संख्या कम है, क्यों यार पढ़ाने में कोई कमी रह गई क्या? केलकर समिति किस भाग से संबंधित है, केलकर समिति किस भाग से संबंधित है? देखिए यहां पर क्या है, ये वित्त विभाग से, इनका संबंध किससे है, वित्त विभाग से, ठीक। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकता, क्योंकि मेरा उद्देश्य है अब की बार एक सीट हमार। अगला है आपके सामने प्रश्न है, केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है, केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है, मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी? फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, कहाँ पर है, लखनऊ। क्लियर हो गया सबके कॉन्सेप्ट, चले अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब आगे देखते हैं, कह रहा है प्रतिवर्ष 25 सितंबर को किस उपलक्ष्य में अंत्योदय दिवस आयोजित किया जाता है, विनोबा भावे की जयंती, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती? बताइए सभी लोग फटाफट क्या होगा, आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, पैसे नहीं लगेंगे आपके, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। बी वालों का जवाब पूरी तरह से सही, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, ठीक। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रधानमंत्री किस राज्य में घर तक फाइबर योजना लॉन्च कर रहे हैं, घर तक फाइबर योजना लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा? ठीक है फलक जी, मैंने करा दिया है, एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं होगा तो मुझे क्वेश्चन भेज देगा मेरे व्यक्तिगत नंबर पर, मैं तुरंत आपको उसका आंसर भेज दूंगा, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा डाउट रह जाता तो मुझे उसका प्रश्न भेजेंगे, मैं आपको दोबारा आंसर बता दूंगा, क्लियर। यहाँ पर देखिए बिहार राज्य, बिहार वालों के जवाब सही है, ठीक है। क्या होगा इसका उत्तर, बिहार होगा। अगला आप सभी के लिए शायद आपको पता होना चाहिए, अगला है आपके सामने CSIR IGIB द्वारा विकसित किए गए पेपर स्ट्रीम टेस्ट को क्या नाम दिया गया। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, क्रोशियर, फेलुदा, क्वाक्सा, हिंडैक्स? यहाँ पे फेलुदा होगा, ठीक। अगला सवाल आपके सामने है, साथ आपको दिख रहा होगा, कपिला वात्स्यायन जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया, किस संस्थान के संस्थापक निदेशिका थे, संगीत नाटक अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, स्मिक मैके? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। सी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। अक्टूबर 2020 में किस विषय पर वैभव सम्मेलन आयोजित किया गया, वैज्ञानिक सहयोग? डी इस प्रश्न का सही जवाब है, मैंने अगर आपने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, इसका मतलब आपके जवाब पूरी तरह से सही हैं और आप लोगों ने एकदम राइट आंसर दिया है। बस ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा, यकीनन आप सिलेक्शन तक जरूर पहुंचेंगे, ठीक। चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि रेस के घोड़े ही तो रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सब तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं। अगला है आपके सामने, भारत के पहले जेंडर हब के संदर्भ में विचार कीजिए,
सभी लोग जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया? नहीं, केरल। मैंने भी गलत। यह जेंडर हब संयुक्त राष्ट्र महिला सहयोग से स्थापित किया जाएगा, यह सही है। ठीक, यह जेंडर पार्क लैंगिक समानता के लिए दक्षिण एशिया के हब के रूप में कार्य करेगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर केवल दो, केवल दो। ठीक, चलिए अब रीजनिंग का सवाल एकदम आसान है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। 3 11 है तो 5 का क्या होगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 27। थैंक यू। एक मैसेज आया, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ। सभी लोग 10 लोगों को शेयर कर दीजिए। एक दिन हम सबको मिलकर दुर्गेश्वर के लिए 5000 का रिकॉर्ड बनाना है और पैसा नहीं लगता यार, प्लीज़ कर दिया करो, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। कोई बात नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू। बाकी करें या ना करें उनकी अंतर आत्मा जाने, हम अपने काम में किसी प्रकार कम समझौता नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। बाकी आपकी जो जिम्मेदारी वो आप निभाइए, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा हूँ। यहाँ पर एक कोड लिखा है, इसको याद करना होगा, ऐसे मैं आपको जल्दी कोड याद करवाने वाला हूँ अनबोर्ड आकर एकदम बढ़िया बढ़िया से। देखिए यहाँ पे ई अगर हम यहाँ पे कोड करें तो हो जाएगा हमारा 5 24 16 12 1 9 14, ये हो जाएगा 2 21 13 9 24 6 11। अब इसको बताइए, 5 का 2 माने -3 किया है, फिर 24 का 21 किया, देखिए -3 3 सभी में किया है। अभी -3 3 करिए, जी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 25 13, तो हो जाएगा 4 22 10। 4 माने D, 22 माने U J, D V होगा 25 में से कहीं से V D V J C इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए कल की क्लास आप पढ़ेंगे और मजा आएगा। ठीक, इसमें विकल्प संख्या विषम संख्या चुनना है, बताइए कैसे चुनेंगे। देखिए ये हो जाएगा 14 16 18 20 21 23 6 8 10 11 13 15। देखिए सब में 16 2 18 प्लस 2 2 है प्लस 2 2 है प्लस 2 2 है, यहाँ पे 1 और प्लस 2 है, मतलब यही आपका गलत है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। क्या आप लोगों ने भी इस प्रश्न का उत्तर बी ही लगाया है? बताइए जरा फटाफट कमेंट करके। हम चाहते हैं ऐसा पढ़े जिससे आप सिलेक्शन ले, मेरा उद्देश्य केवल आपका सिलेक्शन है। 10 लोग ही हो पढ़े, 10 लोग का ही सिलेक्शन हो। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। देखिए किसी कोड भाषा में यहां पे है, पी का हो जाएगा 16 18 15 19 5, 16 16 15 17 5। बताइए क्या क्या किया है, पहले कब तुरंत डिकोड किया करिए। आपने देखा पी को पी लिख दिया है, पहले क्या किया इसमें 0 ऐड किया है, फिर हमने देखा आर को पी लिखा है माने -2 किया है, फिर हमने देखा ओ को ओ लिख दिया है माने +0 कोई नहीं है, फिर क्या है 15 को 17 लिखा है, तो हमारा क्या होगा 15 से 15 0 हो गया, फिर ऐसे 17, फिर -2 हुआ है, फिर ई का ही हुआ है +0 हुआ है। ठीक है, एक दो दिन में रजनी बताने वाले, एक दो दिन में आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, लाइट लाइट को अगर डिकोड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 9 7 8 20, पहले 0 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 माने यल, फिर हमने 9 लिया, 9 में क्या करना है 2 घटा देंगे 9 में से 7 माने यहाँ पर आपका आ जाएगा जी, 7 है, 7 को 7 ही रहने देंगे, फिर जी 8 में से 2 जाएगा 6 माने यफ, फिर 20 को 20 ही रहने देंगे माने टी, ये हो जाएगा ना 8 से 6 हुआ, फिर टी का 20 से 20 हो जाएगा, तो ये क्या होगा इसका उत्तर, जरा कमेंट कर बताइए। LGGFT
ये हो जाएगा डी, इसका क्या हो जाएगा डी। ठीक, आगे चलते हैं। यदि बीते कल से पहले दिन परसों बुधवार था, ध्यान रहे, यदि बीते कल से परसों बुधवार था, बुधवार था, ये हो जाएगा बृहस्पतिवार, तो आज क्या होगा, आज शुक्रवार होगा, आज फ्राइडे होगा। तो अगला दिन क्या हो जाएगा, सैटरडे, फिर हो जाएगा संडे, अगला दिन शनिवार, एवं शनिवार अगला दिन रविवार होगा। अर्थात आने वाले कल के बाद अगले दिन रविवार होगा, आने वाले कल के बाद अगला दिन रविवार होगा। एक बार ध्यान समझिएगा, यदि बीते कल से पहले दिन परसों था, बीता कल से पहले परसों, पहले मैंने परसों बुधवार था, आज फ्राइडे होगा, अब रविवार क्या होगा, कल के बाद अगला दिन जो होगा वो रविवार होगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी लगाया है, आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। क्लियर हुआ सबका? वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं। अगला है आपके सामने, यदि जान अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाया? देखिए, प्रत्येक अगले वर्ष दिनों की संख्या में एक की वृद्धि होती है, इसलिए अगले सात वर्ष बाद माने 1972 में वही दिन आएगा, परंतु 5 फरवरी 1965 के बाद 5 जनवरी 1972 से पहले एक लीप वर्ष होगा, इसमें दिनों की संख्या में 2 दिन की वृद्धि हो जाती है, अतः 7 दिन की वृद्धि 6 साल में ही हो जाएगी, अतः 1 साल इसमें से और कम कर देंगे, 1971 माने 5 जनवरी 1971 को यह दिन आएगा, माने वही दिन 7 दिन बाद आएगा, और यहाँ पर एक इसमें लीप वर्ष मिल जाएगा, जिससे लीप वर्ष में जहाँ आता है वहाँ पर विषम दिन साल में 2 हो जाते हैं, इसलिए 1 साल कम कर देंगे, माने 1971 में ही यह दिन आएगा, अर्थात उस दिन मंगलवार होगा 5 जनवरी 1971। इसे हल करेंगे काफ़ी लंबा समय लगेगा, एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे, मतलब आपका प्रैक्टिस जितना बढ़िया रहेगा उतना बढ़िया सलेक्शन आप देंगे। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास। चलिए अगला है आपके सामने, कथन को सत्य मानते हैं, स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो 9 बजे से समाचार सुनता हूं, और आप प्रतिदिन इस क्लास को कितने बजे लेते हैं कमेंट करके बताइएगा। वह व्यक्ति समाचार तो नहीं पढ़ता, कह रहा है वह व्यक्ति समाचार नहीं पढ़ता, फिर कह रहा है ताजा समाचार केवल रेडियो पर ही उपलब्ध होते हैं। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने से बताना है, क्योंकि मैंने कई बार इसके बारे में बता दिया, क्योंकि पहले जो कथन को सत्य मानकर ही निष्कर्ष तक हमें पहुंचना है, बताइए क्या होगा। तो यहां पर इसका होगा ना तो 1 होगा ना तो 2, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक, चलिए, शालिनी जी का कहना है कि 47 को फिर से बताया जाए, ध्यान सुनिएगा। देखिए, 1 साल में 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, इसको हम 7 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचेगा, 1। लेकिन जिस दिन लीप वर्ष होता है उसमें 366 होते हैं, 7 से भाग देंगे तो 2 शेष दिन होते हैं, इसे विषम दिन कहते हैं। 5 जनवरी 1965 के बाद हमें 7 दिन अगर जोड़ देंगे तो हमें वही दिन मिल जाएगा, दिन मंगलवार, उसी दिन तक जाना है, तो 1965 में 7 साल जोड़ेंगे तो 1972 आएगा। लेकिन याद रहे कि 1965 के बाद जब 66 में पहुंचेंगे, 67, 68, 69, जब हम इसमें 68 में पहुंचेंगे तो यह एक लीप वर्ष होगा, 68 के बाद 72 लीप वर्ष है, तो एक लीप वर्ष होने तो उसमें 2 दिन हो जाएगा, इसमें माइनस 1 साल, माने छठे साल ही आपका क्या हो जाएगा, आप सभी का जब आपका छठा साल होगा यहीं पर आपको क्या हो जाएगा, दिन मिल जाएगा। इस प्रकार 5 जनवरी 1971 को ही आपका सेम वही दिन मिल जाएगा। ठीक है, ये लाइव चल रही है आप सभी के लिए क्लास। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 49। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 को ध्यान से हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सभी फल मिष्ठान है, सभी फल क्या है, मिष्ठान है। ठीक है, सभी फल मिष्ठान हैं और सभी मीठे
चीज़ें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। अब निष्कर्ष क्या है? सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, कुछ फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो? सभी फल मिष्ठान हैं और सभी मीठे चीज़ें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, सभी फल मिष्ठान है, क्लियर हो गया। और सभी मीठी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती, यहाँ पर यह लाइन इसमें जोड़ दिया है, माने ये सत्य है। कुछ फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, ये भी सही है। इसका मतलब एक और दो दोनों लागू होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। अगला सवाल आपके सामने है, यह आज का आखिरी सवाल है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा इंसान आप सभी के लिए लाइव है। फरवरी 2021 को किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी कराने के लिए मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा। कल की कुछ स्पेशल क्लास हैं जो मैराथन के रूप में होंगी, मतलब एक विषय का संपूर्ण समापन हो जाएगा, उसके लिए टेलीग्राम पर ई लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके जुड़े रहिएगा। और आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहाँ से भी जुड़े रहिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर करिएगा, बाकी आप सभी की मर्जी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ईश्वर करे अगली भर्ती में आप सभी का सिलेक्शन जरूर हो। और ये क्लास आप सभी के लिए था, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम पर जुड़िएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर रखिएगा। बाय बाय।